लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन के बारे में समझ लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं बच्चों, एक वायर है ऐसा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और वायर की लेंथ क्या है, एल है। हमने इस वायर पे एक वी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्या हमने अप्लाई किया यहाँ पे? V पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर पे अप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव पोटेंशियल है। तो आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E। और E की वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तो हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन एल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट से फार्मूला आपको पता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितने भी यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, वैसे तो मैंने आपको समझा रखा कि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, अब हम पॉजिटिव आयंस नहीं बना रहे हैं। अगर आपको बहुत डीप में एक लेक्चर चाहिए तो आप जो है शुरुआत से इसको देखिएगा। तो ये बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पर एक इस तरफ एक फोर्स लग जाता है। किस वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उस पर एक फोर्स लगता है। कितना लगता है? क्यूवी। और वो लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, जबकि पॉजिटिव आयन पे फोर्स इधर लगता है। बट पॉजिटिव आयन तो मूवमेंट करते नहीं है, तो उनकी बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब कि फोर्स एक्टेड एट ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स होगा भाई? तो ये होगा ईई। फोर्स इक्वल टू होता है ईई, मतलब क्यों ई होता था वहां पे, तो यहां पे इस माली इसका चार्ज और ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। जब ये फोर्स लगेगा सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ठीक है, ये कितना होगा? ये होगा ए बराबर ई अपान एम। भाई एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपान मास। तो फोर्स कितना है? ई लग रहा है। मास कितना है? एम है। किसका मास है? एम इलेक्ट्रॉन का। तो ई अपान एम ये उसका क्या हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस एक्सेलरेशन की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड लगातार बढ़ेगी। बट आपको मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे मोशन करते, वो तो फ्री मोशन किया करते ना बहुत हाई स्पीड से। अब इलेक्ट्रॉन सब इधर उधर मोशन कर रहे थे, मोशन करते करते वो पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब वो लगातार कोलिजन भी करते हैं। तो एक बार जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, उसमें कुछ स्पीड बढ़ी, फिर वो यहां कोलिजन करता है। कोलिजन में वो अपनी वेलोसिटी का कुछ पार्ट क्या करता है? वहां पर लॉस कर देता है, जो इनक्रीजिंग वेलोसिटी होती है। इसीलिए देखा होगा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि लगातार वेलोसिटी का लॉस होता रहता है उनकी, जो इलेक्ट्रॉन जिनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है इस एक्सेलरेशन की वजह से, वो कोलिजन में अपनी कुछ वेलोसिटी क्या करते हैं? लॉस भी करते जाते हैं, जिससे कि वही जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में वहां प्रोड्यूस हो जाती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां वहां कोलिजन करते करते आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से कोलिजन करके यहां तक पहुंचा, तो एक इलेक्ट्रॉन की दो लगातार कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। तो हम मान लेते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी यू वन थी, फॉर अ इलेक्ट्रॉन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू वन थी। और एक रिलैक्सेशन टाइम तक उस पर ये एक्सेलरेशन काम किया। इस रिलैक्सेशन टाइम में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? वी वन हो गई। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? वी वन हो गई। तो आपको पता है उस पर एक्सेलरेशन तो ए काम किया, ए क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। यू क्या हो गया?
इनिशियल वेलोसिटी हो गई, टाउ वन क्या हो गया रिलैक्सेशन टाइम हो गया, और वी वन क्या हो गई ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। देखिए हमने बोला कि इतनी वेलोसिटी से मोशन शुरू किया और जब तक वो दूसरे से नहीं कोलिजन कर गया तब तक उसकी वेलोसिटी वी वन हो गई उतनी देर में, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा था। तो आपको पता है कि वी वन बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, यू वन ए टाउ वन, वी वन बराबर यू वन प्लस ए टाउ वन। ये तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है स्मॉल एन, ठीक है। तो सोचो बच्चों फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा वी टू बराबर U2 प्लस ए टाउ टू। फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी थ्री बराबर यू थ्री प्लस ए टाउ थ्री। इसी तरीके से डॉट 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 फॉर एनथ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, तो आएगा वी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस ए टाउ एन, ठीक है। इन वेलोसिटीज का जो एवरेज होगा फाइनल वेलोसिटीज का वो किसके बराबर होगा, वही डिप्ट वेलोसिटी के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे लिख देंगे सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या आएगा वी डी, इसको लिख देते हैं डिप्ट वेलोसिटी किसे लिखेंगे वी डी से। तो VD बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn डिवाइडेड बाई n। तो VD बराबर यहां से आ जाएगा बच्चों V1 की जगह देखो U1 प्लस A tau n, इन सबको ऐड करना है तो देखो ऐसे ऐड करो कॉलम वाइज, तो इधर से ऐड करोगे तो क्या आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट यू एन अपान इन अलग कर लो, फिर ए टाउ वन ए टाउ टू ए टाउ थ्री इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमको ए कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ एन अपान एन। बच्चों आपको पता है एवरेज जो होता है थर्मल वेलोसिटी होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी है कौन सी थर्मल वेलोसिटी, और मैंने आपको बता रखा है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है जीरो है। तो जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो है तो ये तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो गई, तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर आप VD की बात करें तो VD यहाँ से आ जाएगा बच्चों ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस ए टाउ, जहाँ टाउ क्या है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और मैंने बताया था कि किसी कंडक्टर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है लगभग 10^-14 सेकेंड का। तो वीडी बराबर यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ए, ए का फार्मूला यहाँ से देखो पुट कर दो यहाँ पे, ये ए की वैल्यू आई है ई वी ई ई अपान एम, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा ई ई अपान एम into tau. This is the relation between drift velocity and electric field. अगर इसका कभी vector form चाहिए हो तो vector form बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं VD बराबर EE tau upon m, वो भी कैसा माइनस का, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो किधर लगती है इस साइड, तो drift velocity किधर प्रोड्यूस हुई इस साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फील लगता है ना, तो फील्ड के अपोजिट में ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो बच्चों ये रिलेशन हो गया बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा आ जाता है पूछ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये भी रिलेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, ये VD बराबर आ जाएगा EV tau अपान
ml. ये आ गया रिलेशन बिटवीन डिप्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस. बस उसके लिए क्या करना पड़ा, उसके लिए जो e था, e की वैल्यू रख दी, वहां से क्या रखा, v अपान l, तो v अपान l रख दिया, तो ये रिलेशन बन गया डिप्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस का. बच्चों फटाफट इसको नोट कर लीजिए यहाँ से सब. आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए. थैंक यू बच्चों.